पंजाबी खबरां दे इस खास बुलेटिन पंजाब इस वेले देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाँ जगदीश संधु। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू की चंडीगढ़ विखे हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो। सिद्धू ने अज मीडिया के नाल रूबरू होंदे हुए पंजाब मॉडल के बारे में जानकारी दी। सिद्धू ने कहा कि पंजाब मॉडल के मजदूरों का खास ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि वह पिछले दिनों तो मजदूरों के नाल मिल रहे हैं तो मजदूरों दी जत्थेबंदियों नाल भी उन्होंने मुलाकात की। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि उन्होंने पंजाब मॉडल के मजदूरों का खास ख्याल रखा जाएगा। जिस तरह पेंडू खेत्र के मजदूरों के लिए मनरेगा स्कीम सरकार वालों चलाई जा रही है, उस तरह शहरी खेत्र के मजदूरों के लिए भी रुजगार की गरंटी वाला कानून वो लैके आएंगे तो इस दे तहत पंजाब मॉडल के व्यवस्था करेंगे। सिद्धू ने कहा कि शहरों के पिंडा नालों वधेरे गरीब लोग रह रहे हैं तो इस तरह शहरों के भी मजदूरों रुजगार की गरंटी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैनीफेस्टो के जरूर यह मुद्दा वो लैके आएंगे। मैं खेत मजदूर की गल की, मैं कंस्ट्रक्शन लेबर की गल की है। पलेदार मजदूर कल 60 से 70 हज़ार मोगे दे विच मिनिमम, क्योंकि ना नॉर्मली कुर्सियां दे बंदे वो पूंजे सी, ठीक है जी। उन्हां दी फरियाद जिहड़ी है बड़ी देर दी, उन्हां दी जिहड़ी मंग है, उन्हां दी जिहड़ी डिमांड है, मैं उन्हां दीआं गल्लां सुणियां। उन्हां दीआं गल्लां सुण के मैं इस नतीजे ते पहुंचिया कि साडा जिहड़ा अध्ययन है पंजाब मॉडल दा, उहदा वन ऑफ दी फोरमोस्ट पॉइंट्स, वन ऑफ दी बिगेस्ट पॉइंट्स, एंड आई विल डू इट विद रैशनल रीजनिंग दे नाल करांगा। द पंजाब मॉडल विल लॉन्च अर्बन इंप्लॉयमेंट गारंटी मिशन। आई रिपीट, द पंजाब मॉडल विल लॉन्च अर्बन इंप्लॉयमेंट गारंटी मिशन, राइट टू इंप्लॉयमेंट फॉर अर्बन लेबर। जिहड़ी शहरां दे विच वसदी अर्बन लेबर है उहदा राइट टू इंप्लॉयमेंट, दे समथिंग लाइक मनरेगा इन दी अर्बन एरियाज। रेडिकल, रेवोल्यूशनरी, इंप्लॉयमेंट गारंटी ईवन टू दी अनस्किल्ड लेबर इन अर्बन एरियाज। जिहड़ी अनस्किल्ड लेबर है ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ। ਇਹਦਾ ਰਾਸ਼ਨੇਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਰਾਸ਼ਨੇਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬਨ ਪਾਵਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਰਲ ਪਾਵਰਟੀ ਨਾਲ ਡਬਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, एक एक क्यों इस गल की अहमियत दे उत्ते जांदा है? क्योंकि अर्बन पॉवर्टी रूरल पॉवर्टी नाल डबल है पंजाब, इट इज़ डबल दैट, एंड वी डू नॉट हैव इंप्लॉयमेंट गारंटी ओवर हेयर। इस तो पहला नवजोत सिंह सिद्धू मोहाली विखे पहुंचे जिथे उन्होंने मजदूरों के नाल गलबात की। नवजोत सिंह सिद्धू ने मजदूरों दियाँ जिथे एक पासे दुख तकलीफा सुनिया, उत्थे दूजे पासे सिद्धू ने दस्या कि पंजाब मॉडल के राही किस तरह मजदूरों दियाँ तकलीफा नूं घट करन दी कोशिश करनगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने दस्या कि पंजाब मॉडल दे राही ओह शहरी खेत्र दे मजदूरां दे लई खास तजवीज़ लैके आए ने। इस तरह नवजोत सिंह सिद्धू ने मजदूरों तो यह भी पूछा कि की किसी मजदूर का लेबर कार्ड बनया है, तो उत्थे मौजूद किसी भी मजदूर का लेबर कार्ड नहीं बनया सी। इस मौके सिद्धू नाल गलबात करते हुए मजदूरों ने दस्या कि कई बार उन्होंने बिना दिहाड़ी लगे ही वापस घरां नूं परतना पैंदा है। मैं ऐतकी 70% पंजाबी की गल करनी, चाहे वह किसान हो चाहे वह मजदूर हो। बाबे नानक की किरत तुसी कर दे, अख लाल वाली भाई लालो वाली तुसी वो कर दे। जे रजिस्ट्रेशन होगी तुहाडे खात्यां च पैसे आउणगे, तो यह नहीं होगा भी जे छुट्टी लैनी है या दो दिन बीमार हो गए तो तुहानू 5 दिन मिले, जे 10 दिन कोई बीमार पै गया तो उन्होंने 5 भी ना मिले, तो जे 1500 की गौरमेंट की मदद भी मिलनी हुई तो तुहाडे कार्ड के उत्ते तुहाडे खाते च पवे। ये पंजाब मॉडल मैं ये कृपा नहीं है, साडे फर्ज ने, साडे धर्म ने,
जो सरकार पॉलिसी बनाती है नीति बनाती है तो तुहाडे वर्गे बंदियां दी पहल होनी चाहिए है। ये नहीं होना चाहिए भी फलाने मंत्री के मुंडे नूं आ देता फलाने मंत्री नूं उह देता जे देना है तो तुहाडे वर्गे नूं देना है। सरकार क्यों नहीं दिंदियां ये यही मैं कहना कि कागजां च ना रहे और तुहाडे तक ही पहुंचे और कहने को गल करनी है जी सर। उस दिन मैंने लेबर कार्ड को कहा तो उन्होंने मना कर दिया कि तुम्हारी उम्र 60 साल की होगी तुम्हारे ना बनेगा। इसका मतलब तुम्हें लेबर कार्ड मना कर दिया? हाँ जी हाँ जी। किसने मना किया? यही जहाँ बनना है मंदिर में। क्या क्यों क्यों मना कर दिया? उन्होंने आधार कार्ड देगा तो कहा तुम्हारे ना बनेगा 60 साल से उम्र ऊपर हो गई तुम्हारी तुम्हारे नहीं बनेगा। तो कोई और गया लेबर कार्ड बनाने? तुम्हारा बनाया? नहीं बना। क्यों नहीं बना? मुझसे तो मना कर दिया ना, मैं दिखाया आधार कार्ड। मतलब आधार कार्ड का चेंजिंग करो, ये करो वो करो है? इसका मतलब ये है कि तुम वहां जब जाते हो तो वो कार्ड नहीं बनाते। आम आदमी पार्टी वालों विधानसभा चोणां 2022 नूं देखदे होए सुनहरी पंजाब मुहिम की शुरुआत की गई है। इस मुहिम के तहत आम आदमी पार्टी ने पंजाब के 3 करोड़ लोगों नूं अपने नाल जोड़न का टीचा रख्या है। इस मुहिम के लिए आम आदमी पार्टी वालों एक नंबर भी लॉन्च किया गया है। लोग इस नंबर पर मिस कॉल करके आम आदमी पार्टी की इस मुहिम के नाल जुड़ सकते हैं। तो उधर चंडीगढ़ विखे आम आदमी पार्टी वालों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रबंध किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रधान भगवंत सिंह मान ने संबोधन किया। इस मौके मीडिया नाल गलबात करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा कि कांग्रेस की आपस दे विच नहीं बनती, कांग्रेसी आगू एक दूजे के खिलाफ बोल रहे हैं। अजिहे विच कांग्रेस वालों जो दावे किए जा रहे हैं उन्होंने दावों उपर विश्वास नहीं किया जा रहा। कांग्रेस के अंदरूनी कलेश से तंज कसद्या उन्होंने कहा है कि कांग्रेसी आगुआ की आपस के नहीं बनती, पंजाब नू कांग्रेस कोई भविख नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी आगू लगातार झूठे दावे कर रहे हैं। शायद चन्नी साहब को भी नहीं पता होना जिहड़े जिहड़े फैसले उन्होंने बोर्डों पर लिखवाते कि वो किए ने जां नहीं किए। इत्थों ये साबित हुंदा है कि नॉन सीरीयस और आपस दे विच काटो कलेश दे विच सरकार चल रही है तो लोग पिस रहे ने इस चक्की दे विच। ते इहो जे लोकां नू अगले 5 साल लई लोकां तों मैंडेट मंगण दा फतवा मंगण दा कोई अधिकार नहीं, क्योंकि लोकां ने फतवा कैप्टन दे नां ते मंगिया सी, इन्हां ने दे के अपनिया घर घर कार्ड वंडे सी, हजे भी लोगों ने जेबां च पए ने जां संदूकां च पए ने कि कैप्टन ने सौ चक्की थोड़ी नौकरी पक्की। तो लोगों नूं रोज़गार देण वाला आप बेरोज़गार हो गया, वो चला गया। सो कोई करजे माफ़ी दियां गल्लां जां कोई 51,000 रुपया शगन स्कीम जां कोई स्मार्टफोन जां कोई 2500 रुपया बुढ़ापा पेंशन 5 मरलियां दे प्लाट कुछ नहीं होया। एक ड्राइवर बदलता बस उही है जिदे विच लुट जा रही है। दिल्ली तो किसानी अंदोलन जित के वापस पंजाब परते किसान आगुआ वालों लगातार किसानों की सियासी पार्टी बनाउण दीआं खबरां मीडिया दे विच आ रही ने, पर हाले तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। ये भी खबरां आ रही ने कि गुरनाम सिंह चड़ूनी जल्द ही अपनी सियासी पार्टी लॉन्च कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक 1 या 2 दिनों गुरनाम सिंह चड़ूनी अपनी किसानों की सियासी पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। गुरनाम सिंह चड़ूनी वालों किसानी झंडा लहरा के किसानी जित की खुशी का प्रगटावा भी किया गया। उधर सुखबीर सिंह बादल वालों माझा इलाके तो बाद हुण दुआबे दे विच सियासी रैलियां कीतियां जा रही ने। हुशियारपुर के टांडा हल्के दे विच सुखबीर सिंह बादल वालों अज कई जगह हाजिरी भरी गई ते वर्करां दे नाल मुलाकात की गई। सुखबीर सिंह बादल ने लोगों नूं संबोधन करते हुए कहा है कि श्रोमणी अकाली दल ते BSP गठजोड़ की सरकार बनन जा रही है ते सरकार बनन तो बाद अकाली वर्करां दे नाल धक्केशाही करन वाले अधिकारियों के खिलाफ भी वो कार्रवाई करनगे। अपनी सरकार अपनी पार्टी जिन्हें मरना जीना दोने अपने वास्ते है उदी बाप फ्री है। आपा देख लिया जिन्ने आ सौ खांदे आ फार्म भरांदे आ सारे ठग है, ना मैं सौ खानी है ना मैं फार्म भराउणे आ, मैं तां कली जवान देनी है ते जवान दे पक्के है। तुसी इतिहास गवाए श्रोमणी अकाली दल, मैं तां आई बेनती करना है सारे श्रोमणी अकाली दल दी समुची लीडरशिप बैठी है ते BSP दी लीडरशिप बैठी है, आपा सीट जितनी है किसी हाल जितनी है। मैं पंजाब च मैनू हो गए 2 महीने घरों निकले, तुसीं देखो रोज देखते होणे मैं कितना कितना। कल मैं
सुजानपुर सी जिथे अकाली दल ने जिंदगी च नहीं इलेक्शन लड़े से उथे आप पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। राजकुमार गुप्ता जी साढ़े उत्थे उम्मीदवार है अकाली दल पहाड़ी इलाका जमा जम्मू कश्मीर के नाल इधर पाकिस्तान नाल लगता है उधर जम्मू नाल ते मैं पहली बार गया उत्थे कैंपेन च मैं डरदा सी मैं क्या अज घट घुट शायद घट ही होगा मैं क्या उत्थे नेरी आई इस पई सी सुजानपुर शहर सारा ही सड़क पर आ गया से जो मैं अगे बढ़िया हजारा मोटरसाइकिल लगे लगे ते मैं समझा करदा उह सीट तां पक्की जीती है जिथे आपां नेड़े दे खाता भी अपना तां कोई हुंदा ही नहीं सी उत्थे बड़ा उह जथेबंदी ही नहीं सी उत्थे सो आ माहौल देखो किवें बदल गया जिहड़ियां सीटां ते सुजानपुर वर्गी बोह पोहा मैं हुण जाणा बोहा जां पोहा जाणा है ते दीनानगर जाणा है उत्थे माहौल ही बदले पाए लोकी समझ गए है कि एक्टी उधर रूपनगर विखे सेहत महकमे दीआं नर्सां दे वलों हड़ताल की गई है सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन की राह ते सूबे दे सेहत महकमे दे कर्मचारी आ रहे ने लगातार रूपनगर दे विच सेहत महकमे दे कर्मचारियों वलों हड़ताल ते रोस प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इन्हां नर्सां वालों इल्जाम लगाए गए हैं कि उन्हां दा पे ग्रेड घटा के 4600 तो 3200 रुपए कर दिता गया। उन्हां कहा कि सूबा सरकार ने नर्सां दे नाल वड्डे वादे किए सन पर सरकार हुण अपने वादियां तो मुकर रही है। ਤੇ ਅਸੀਂ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੈਰੀਐਂਟ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਸਮੀਰ ਭਾਟੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੈਰੀਐਂਟ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। हमें देखने को ज़्यादा मिल रहे हैं। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की जब हम बात करते हैं, अगर आप डबल वैक्सीनेटेड भी हैं उसके बाद भी संक्रमण हो सकता है, वही ओमिक्रॉन के मामले के अंदर भी देखा गया है। बट इसमें एक चीज़ समझने वाली बात है, जिस तरह से शुरुआती दिनों से हम बता रहे हैं कि वैक्सीन आपको बीमारी की गंभीरता से बचाती है, हॉस्पिटलाइजेशन से बचाती है, डेथ रेट को जो है मिनिमाइज करती है, तो वैक्सीन आपको संक्रमण आपको फिर भी हो सकता है, आप किसी को संक्रमण फैला भी सकते हैं। तो इसी तरह की ब्रेक थ्रू केसेस निश्चित तौर पे देखे जा रहे हैं। हाँ, बट इसमें एक चीज़ समझने वाली ज़रूरी है कि जब हम बात करते हैं अभी बूस्टर डोज की, तो बूस्टर डोज अभी हम लोगों को, अगर हमारा जो एक कैटेगरी है जिसमें हेल्थ केयर वर्कर हैं, हमारे कोमोर्बिड वाले लोग हैं जिनको अन्य गंभीर बीमारियां हैं, इसके अलावा हमारे जो कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन पे है, जैसे कीमोथेरेपी वगैरह पे है, ट्रांसप्लांट वाले जो लोग हैं, इन लोगों को निश्चित तौर पर एक बूस्टर या एक एडिशनल डोज, जो पहली और सेकेंड डोज जो ली है प्राइमरी वैक्सीन, उसी की एक बूस्टर डोज जो कि विदेशों के अंदर भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर लगना शुरू हो गया है, तो वो हम लगा सकते हैं। पंजाबी खबरों के इस खास बुलेटिन के फिलहाल इन्ना ही। हुण मैनू दे इजाजत, धन्यवाद।